गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं विमलकोट माता के दर्शन करने के लिए। शाबाश। कहाँ जा रहे हैं? विमलकोट मंदिर, विमला माता के दर्शन करने के लिए। ठीक है, और बाकी दगड़ियों आप देख सकते हो, गोपुआ और सारू भाई दोनों रेडी हो रखे हैं। मतलब लग नहीं रहा है कि मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात में जा रहे हैं दोनों भाई, है ना। तो आज देखो व्लॉग का इंट्रो मैंने तभी इन दोनों से ही करा रखा है, क्योंकि दोनों भाई काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। मज़ा आ गया इनके ड्रेसअप में ना। और अभी अपना भी ड्रेसअप दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ऐसा कुछ ड्रेसअप है दगड़ियों, मेरा भी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज तो हम जा रहे हैं विमलकोट मंदिर, विमला माता के दर्शन करने के लिए। बाकी और भी हमारे गांव के कुछ और भी लोग आ रहे हैं, तो अभी सबसे मिलाते हैं। बाकी कमुआ भी रेडी हो चुकी है, कमुआ भी आ रही है, चाची भी आ रही है, मेरी मम्मी और ताईजी वगैरह वगैरह भी जितने भी है सबको इकट्ठा दिखाऊंगा मैं। तो चलिए फिर इससे पहले मैं भी अब व्लॉग स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो ओहो दगड़ियो गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ हम तीनों भाइयों ने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। ये बाकी दगड़ियों आज मैंने अब नया चश्मा पहन के व्लॉग स्टार्ट कर दिया है फिर ये। ठीक है, मतलब अभी तक मैंने नहीं पहन रखा था ना, लेकिन इस चश्मे को ले हुए तो मेरे को 4-5 दिन हो गए थे लगभग, लेकिन मैंने अल्मोड़ा में नहीं पहन रखा था। तो अब पहन रहा हूँ मैं, और अब से यही चश्मा पहनकर मैं व्लॉग शूट करूंगा। तो कैसा लग रहा है चश्मा ये कमेंट सेशन में मेरे को जरूर बताना। और बाकी बात करें दगड़ियों आज के मौसम की, तो आप देख सकते हो आसमान में ना बादल छाए रखे हैं, वहाँ सबको के डान में कोहरा भी छा रखा है। और अभी अब सूर्य देवता हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, और हल्की फुल्की अभी ना धूप भी आ चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी मौसम थोड़ी देर में खुल जाएगा। और अब मैं आपको वैशाली का ड्रेसअप दिखाता हूँ। ये तो वैशाली को देखो, ये तो कुछ ये ड्रेसअप वैशाली का है। वैशाली का आउटलुक आप देख सकते हो, ये काफी स्मार्ट लग रही है वैशाली भी। कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मारा मैंने सुबह सुबह। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हम तो निकल गए दगड़िया फिर विमलकोट मंदिर के लिए, और बाकी दिखाता हूँ फिर कौन कौन आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक दो लोग कम है, वो भी आ रहे हैं, वो रेडी हो रहे हैं। कुछ ज्यादा दगड़ियों सज धजनी नो, और बाकी और तो सब सज धजगी। मैं तो दिखूं पा तू बन के, और बाकी अपन मम्मी कल दिखूं का तू भान दिखी नहीं मेरी मम्मी। मैं तो पहले अपनी मम्मी को दिखाता फिर, और चाची को, दोनों को। ठीक है, अगल बगल में खड़े हो रखे ये धरो हाँ झलको धर दियो भनका दियो झलका है। तो ये देखो, अब चाची ने पहन रखी है रेड कलर की साड़ी, और मम्मी ने पहन रखी है ग्रीन, मतलब ग्रीन ही भी है, पता नहीं कैसी कलर है मेरे को समझ नहीं आया। हाँ ग्रीन ही है, ठीक है, लाइट ग्रीन है। तो अब मैं धीरे धीरे करके ऊपर को दिखाता हूँ फिर। हाँ एक चाची और आ रही है, वो अभी कुछ ज्यादा ही सज धज रही है, बोल रहा हूँ ना फिर मैं। हाँ अभी उनको थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा और टाइम है, तो उससे पहले इनको दिखाता हूँ फिर मैं। ये देखिए गजब, वाओ वाओ वाओ। हाँ ये देखो ना, मंदिर जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। हाँ हम तो करेंगे ही, साथ ही अपने दगड़ियों को भी कराएंगे। ठीक है, और बाकी चिल्लड़ पार्टी भी कुछ इतने आ रहे हैं। ये देखो सारू भाई ने अपनी मम्मी का पर्स टांग रखा है। हाँ शादी भी करवानी है, ये कोट पैंट में। हाँ ये देखो शेरवानी में आ रखा है, इनकी शादी करवानी है आज। क्या खाया जा रहा है ये? छाहली साग। गजब गजब। जड़ जी आम जनी पे विमलकोट मंदिर, तुम तो वहाँ कामना करिया उन, कम से कम इनको 200 साल बचाया। जय हो भगवान। में जड़ जी गए हमेशा खुश दरिया, मैं जड़ जी हो जिरबोजन हो जोड़ी चिकन बराई दरिया। मैं ये गाले ठुल की लियू, मैं खाने लियून के लियून खाने मतलब फिर लेके चौमीन मोमोज चौमीन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखिए हा यो गजब। मैं कोनी ने जिरबोजू जड़ जी को ना क्या खाणते ले। मैंने कहा तुम तो काम ना करिया, मैं भगवान ने समय हाथ जुड़िया हूँ। जो भगवान मैं ताऊ जी और ताई जी ने जोड़ी छगन बड़े ही धरिया। ओ बुढ़ी ला खाने ले हो मला खानी को चाऊ रोट ओ ये गजब। आलू साग छाली गजब। बस हो रहा है, बस यही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। बस पेट पालना है अपना, सब चतुराई पेट के लिए। सही बात।
मंदिर में जा रहा है। हाँ जाओ बस, आज विमल कोट मंदिर होके आते फिर। ठीक है फिर, ओके मिलते हैं शाम को, बाय। बाकी दगड़ियों एक चाची से और मिलाता हूँ फिर। ठीक है, चाची भी आ गई है। ये हाय बोल दे एक बार। हाय, चलो फिर चलो हिटो। तो एक ताई जी और आ रही दगड़ियों, दो ताई जी आ रही है। ठीक है, एक ताई जी तो यही चक्की वाली है, ये पुल वाली। ठीक है, तो उनको भी दिखाता हूँ अभी। ताई जी जल्दी बिहार आओ, ये देखो। हेलो 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 हेलो, चलिए ये देखो हमारा इतना ग्रुप है दगड़ी, इतना बड़ा ग्रुप आज हमारे गांव का जा रहा है फिर ये। ठीक है, तो काफी अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग आज आ रखे हैं और हम सभी मंदिर में जा रहे हैं, तो काफी अच्छा दिन है आज का। आज तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये दिन तो शुभ होना ही है। बाने लागी चितुरे परुली, बाने लागी चितुरे, बाने लागी चितुरे, ओ मम्मी बाने लागी चितुरे। ओ चाची बाने लागी चितुरे, बाने लागी चितुरे, ओ चाची बाने लागी। आम की डाई मा, बुरास की डाई मा, और हाँ मोनाली जैसी तुरे, बाने लागी चितुरे, ओ चाची मम्मी बाने लागी चितुरे। चाचा पहलाक कैसे हो? ये आ गए चाचा हमारे, और ये रोडवेज भी चली गई। ये देखो टाइमिंग देखो ना, चाचे के आने की और रोडवेज की जाने की। ये गुड मॉर्निंग चाचू। मॉर्निंग, कैसे हो? और पहला का आपको बच्चे कैसे हो? बढ़िया। और कुछ बात ठीक है? आज विमल को घूम के आता हूं। बस बस आप भी हो आज हमारे साथ? बारिश भी होती है आज मस्त वाली। तो जैसे ही रगड़ी हो चाचा आए, मैं चाचा के आए आप, वैसी बारिश भी हो गई। ये देखो ना, आप देखो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। बैठ गया दगड़िया फिर मैं गाड़ी में, और बाकी फर्स्ट सीट ले रखी मैंने फ्रंट वाली। ठीक है, चाचा के बगल वाली, और साथ में भी मेरी मम्मी भी बैठेगी मेरे बगल में। और यहाँ से ना ब्लॉग शूट करने में थोड़ी आसानी होगी ना, तभी मैं पीछे नहीं बैठ रहा हूँ, आगे बैठकर ब्लॉग भी फर्स्ट क्लास शूट करेंगे। हाँ ये देखो सबसे लास्ट में बैठ रहे हैं। चलिए फिर दगड़ियो चलते हैं विमल कोट की ओर, और बाकी एक बार सभी मिलकर बोल देंगे फिर जय हो विमला माता की। चलिए जय, चलो माटू माटू हिट जावर गिलाली मेरी सुमना। माटू माटू हिट जावर गिराली मेरी सुमना। तो अभी फिलहाल दगड़ी हम पहुंच गए फिर धौलछीना, और बाकी ना अभी फिलहाल बूंदाबांदी होने में ही है कंटिन्यू, और यहाँ ना चारों ओर कोहरा भी लग रखा है, तो धौलछीना पहुंच गए हम। ये देखिए दगड़ियों यहाँ ना पर्यटक क्षेत्र है, तो यहाँ पर ना काफी सारे रिसोर्ट भी है ऊपर साइड को, मतलब मेन धौलछीना में तो वहाँ है ही रेस्टोरेंट होटल वगैरह, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी ना काफी सारे गेस्ट हाउस भी है। और यहाँ धौलछीना साइड में ना गर्मियों के टाइम में ना ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, और ठंडियों में ठंडा तो होता ही है काफी ज्यादा, लेकिन ना गर्मियों के लिए काफी अच्छा है धौलछीना, तभी ना गर्मियों में ज्यादा टूरिस्टर आते हैं बाहर से धौलछीना घूमने के लिए। यहाँ की ना रोड भी काफी खराब है, ये देखो पूरा कीचड़ हो रखा है आज, तो बारिश से ना और भी खराब हो गई रोड।
चलिए पहुंच गए फिर हम दगड़ियों अपनी मंजिल में, मतलब अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सामने है दगड़ियों गेट, अभी वो गेट से हमें ऊपर जाना है पैदल, ठीक है। अब आगे को गाड़ी नहीं जा सकती, अब हमें पैदल जाना है, लेकिन बारिश कंटिन्यू अभी होने में, ये बूंदाबांदी हो ही रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम सीधा जाते हैं फिर। और ये है मेरा बैग। मौसम काफी अच्छा हो रखा है लेकिन दगड़ियों मजा आ गया, लेकिन ना बारिश हो रही ना थोड़ा सा तब खराब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम ठंडा है अभी तो फिलहाल, बूंदाबांदी हो रही है सिर्फ, तो चलिए फिर चलते हैं। बाकी देखो घंटी तो बजा दी है हमारे सभी गांव की महिलाओं ने, मतलब मेरी मम्मी ने, चाची ने, सभी ने, मैं भी बजाता हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो, बोलो विमला माता की जय। ये रास्ता है दगड़ियों विमलकोट को जाने का, एक रास्ता ना आगे से भी है, वो डायरेक्ट ना मंदिर में जाता है, लेकिन ना वहाँ से रोड खराब हो रही है, तो हम यहीं से जा रहे पैदल पैदल, थोड़ा चलना भी चाहिए ना। अच्छा झुक भी लगते हैं, सही कहा, एक तो आज कल मानसून का टाइम है, इसमें और ज्यादा लगते हैं। कितने बड़े बड़े, एक एक गाँव के बराबर। और कोहरा तो ऐसा लग रखा है ना दगड़ियों, मतलब ना फोटो शूट करने में ना पीछे से ब्लर मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोहरा ही मतलब काम आ जाएगा ब्लर के। पकड़ ले। ओहो मम्मी के पाँव में जुग लग गया, यो निकाल निकाल निकाल, यो ओहो ये यो मंदिर दगड़ियों वहां ऊपर टॉप में, बट यहाँ से भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ना आज कोहरा बहुत लग रखा है, नहीं तो यहाँ से ना साफ दिखाई देता है मंदिर, तो अभी थोड़ा सा और टॉप में हमें जाना है वहां तक, वो तो चलिए फिर। बाकी ना जुग भी बहुत लग रहे हैं, लीक जिसे कहते हैं, देखो मम्मी के पाँव में तो लग गया था वो। अगर आज ना दगड़ियों कोहरा हटा रहता ना, तो यहाँ से ना सामने का व्यू इतना प्यारा दिखाई देता ना लिटरली, क्योंकि अभी हम इतनी टॉप जगह पर आ गए ना, यहाँ से काफी सारे पहाड़ दिखाई देते हैं, बट आज ना कोहरा लग रखा है ना, तो वो व्यू का मैं आनंद आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। ये देख सकते हो चारों ओर तो कोहरा ही कोहरा लग रखा है, अगर ये कोहरा नहीं लगा रहता ना तो इतने सारे पहाड़ दिखाई देते हैं यहाँ से, और विमलकोट मंदिर से भी वहां से, मतलब बहुत सारे पहाड़, तो वहां से ना जब आप वहां जाओगे ना कभी, तो वहां से ना आपका आने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। कुछ तो लोग गए होंगे जैसे अभी जो यहीं के रहने वाले होंगे लोकल के, बट उन्हें पता है कि कैसा रहता है करके, वहां जाने के बाद ना आने का मन तो बिल्कुल भी करता ही नहीं है। फिलहाल हम पहुंच गए फिर यहाँ मेन द्वार में, ये देखिए बस अब पहुंच गए फिर मंदिर में। चलिए जय हो विमला देवी जय हो। यहाँ पर देखो काफी सारे फ्लावर्स भी लगा रखे हैं, और अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट भी लगा रखे हैं यहाँ नीचे साइड को, ये देखो फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। जय हो तेनु तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी तेनु तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी तेनु तकिया बिना नहीं दिल रजदा। तो यहाँ पर पहले हाथ पांव धो लेते हैं फिर, है ना। तेनु तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले
हर रंग राग सुरा विच। तो अभी शांति मिल गई दगड़ियों मंदिर में आकर, मतलब ना मजा आ गया। जितने भी ना दिमाग में खलबली जैसी मची रहती है ना, मतलब काम के चक्कर में, किसी और के चक्कर में, सब अभी दूर भग गई है और बाकी शांति मिल गई हृदय को। हमको एक बिल्ली मिल गई। ओहो ढड़ू जी हो बिराले मिल गए, घरे ले जाओ। ना माता के दर्शन हो गए तो काफी अच्छा लग रहा है, और बाकी साथ ही साथ दगड़ियों आपको भी दर्शन करा दिए। और अभी फिलहाल हमने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि आज पंडित जी भी नहीं है, तो पूजा वूजा करके थोड़ा चढ़ावा देकर तो यहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए। अभी थोड़ा बहुत हम यहाँ पर फोटो शूट करेंगे आप। तो अब मैं ना आपको कुछ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स लेके दिखाता हूँ फिर, ठीक है। आज मंदिर में आए तो कुछ यादें कैप्चर करके जाते हैं। बाकी इससे पहले दगड़ियों एक साल पहले भी, पिछले साल हम आए थे यहाँ पर, तो इस बार भी आए हैं। तो ये भूख लग गई है मेरे को। भूख लग गई जैसा कर रहे। अच्छा सब लगी नीला भूख धौल छिन्मा चौमिन खून पाल ले चौमिन हो अल्लाह जून पाल। बाकी चाचा भी दगड़ियों यहाँ पर अकेले है, किसी से चैटिंग में लगे हैं वो भी। अच्छा ले विच्चों कुछ ना करी तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विच्चों कुछ ना करी। ये तो अभी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेके दगड़ियों मैंने दिखा दिए फिर, ठीक है। बाकी ये तो मंदिर है, ये हनुमान मंदिर है ना, ये हनुमान मंदिर, ये विमला माता का मंदिर, और बाकी ये है टीन सेट दगड़ियों। जब भी बारिश लग जाती है ना तो इसके नीचे हम बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है। ये पूरा टीन सेट का बना रखा है ये, और इसके नीचे भी एक हॉल है बड़ा सा। यहाँ पर ना भंडारे के टाइम में खाना वाना बनता है, नीचे हॉल है, अभी थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। हमने तो पूजा कर ली है, ठीक है, तो अब हम खाना खा रहे हैं। नहीं तो सुबह से व्रत रख रखा था ना, मतलब ये बच्चों ने तो नहीं रख रखा था और मैंने भी नहीं रख रखा था, बाकी और सभी ने रख रखा था। तो आप खाना वाना खा लेते हैं, मेरे को भूख भी काफी तगड़ी लग रही है। बाकी खाने में देखो ना, पराठे है और अचार है आम का, घर का पराठे लाई है, मैं तो रोटी लाई हूं। चलिए फिर खा लेते हैं पहले आप भूख। तो खाना भी खा लिया, मजा आ गया। तो भूख भी काफी तगड़ी लग रही थी, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद ना बहुत खतरनाक भूख लग रही थी। तो आप खाना वाना खा लिया है, अब दगड़ियों जरा अब मेरे को तान आगो पे, ठीक है। अब फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और बाकी चले फिर आप ना थोड़ी बहुत रील्स भी बनाते हैं यहाँ पर, उसको भी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में जरूर डालूंगा, ठीक। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, कैसे बताऊं के क्या प्यास है क्यों तड़प। और बाकी ना देखो अभी ना कोहरा भी हट चुका है सामने पहाड़ से, तो कुछ पहाड़ अभी देखो सामने के दिखाई दे रहे हैं। ये देखो अब कोहरा हट रहा है, तो कोहरा हट रहा है वो आसमान को जा रहा है, इसका मतलब अब ना बारिश भी हो सकती है थोड़ी देर में। देखो सामने के दूर दूर तक कितने सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं अभी, वाओ मजा आ गया। और यहाँ पर देखो ये कौवे भी उड़ रहे हैं। पहले कभी तो दर्शन भी हो गए दगड़ियों विमला माता के, और बाकी हमने तो करे और साथ ही साथ आपको भी कराए, ठीक है। तो काफी देर से हम यहाँ पर बैठ रखे हैं, हमने पहले दर्शन करे फिर खाना वाना खाया, रील्स बनाई और एक डांस कवर भी शूट किया। तो आपको मैं भेजता रहूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और डांस कवर के माध्यम से, मतलब ब्लॉग के माध्यम से ही, ठीक है। तो आप घंटियां बजा रहे हैं फिर ये, तो अब हम जा रहे हैं। ओहो वैसे जाने का मन नहीं कर रहा है, देखो अभी मौसम भी खुल गया ना अभी, तो ये पहाड़ों को देखकर ना जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जो आप ये सामने वाला पहाड़ देख रहे हो ना, तो इसी के बराबरी में दगड़ियों ये विमलकोट मंदिर भी है, काफी ऊंचाई में है विमलकोट मंदिर। तो अब जा रहे हैं फिर दगड़ियों, बाकी काफी अच्छा लगा आज विमलकोट मंदिर में आकर, और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, 2 बज गए हैं दिन के। तो आप घर को जा रहे हैं, और धौलछीना में भी थोड़ी देर हम रुकेंगे, कुछ खाएंगे चौमिन मोमोज वोमोज, ठीक है। हाँ तो चलिए फिर एक बार बाय कर दियो, बस बस अब बाय 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 हीटो। तो एक बार फिर से बोलेंगे, फिर बोलो विमला माता की जय। लगा मेरी नींद उड़ी चैन, खोने लगा कुछ तो होने लगा, हाँ हाँ कुछ तो होने लगा। पहले कभी